हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही सुंदर सा बैग बनाना बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फॉर्म को और अस्तर और मेन फैब्रिक को रखते हुए इस तरह से इसमें सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। और इसकी जो मैंने लंबाई ली है वो ली है 14 इंच, 14 इंच, और इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो ली है 15 इंच, यानी कि 15 इंच। तो इसी बराबर के ही मैंने इस तरह से 2 पीस कट करके लिए हैं। अभी एक पीस को हम साइड में कर देंगे और एक को हम चौड़ाई में इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। इसे हमें चौड़ाई में फोल्ड करना है और यहाँ पे हम जो बंद वाला साइड है वहाँ पे एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। नीचे की साइड में भी हमें 2.5 इंच पे ही निशान लगाना है। ये हमने 2.5 बाई 2.5 इंच का एक बॉक्स बना लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 2 इंच इस तरह से 2 इंच पे एक और निशान लगाना है। और उसके बाद दूसरे साइड में हमें यहाँ पे फिर से 2.5 इंच पे निशान लगाना है। इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे। और ये जो दोनों साइड में मैंने बॉक्स बनाए हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से शेप देने हैं। तो दोनों साइड में देखिए इस तरह से शेप देंगे और इसी शेप में ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है और जिस तरह से मैंने इसकी कटिंग करी है सेम इसी तरह से ही जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसको भी कट कर लेना है। तो इसको फोल्ड करके ऐसे रखेंगे और जो पार्ट मैंने कट किया है उसको इसके ऊपर ही रखना है और इसी शेप में इसकी भी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए, दोनों पार्ट मैंने एक बराबर के ही कट कर लिए हैं। और अभी एक पार्ट को हम हटा देंगे और एक को लेंगे और यहाँ पे हमें एक निशान लगाना है 4 इंच पे। और इस निशान को हम यहीं से सीधा कर देंगे और यहीं से हमें इसको कट भी कर लेना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया। अब इसके बाद मैंने ये जिपर लिया है और इसको इसके ऊपर उल्टा करते हुए रखना है और इसके बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे इसमें ऊपर की साइड से भी हमें यहाँ पे प्रेस स्टिच भी लगा लेनी है। तो इस तरह से अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पे प्रेस स्टिच भी लगा लेंगे। ये मैंने इसको सिल के कंप्लीट किया है। अब जो हमने दूसरा वाला छोटा पार्ट कट किया था उसको लेंगे और इसको हमें दूसरे साइड में इस तरह से इस पर मिलाते हुए रखना है और यहाँ पर भी सिलाई लगा के इसको हम इसके ऊपर से प्रेस स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेंगे। और अब हमें इसमें रनर भी डाल के ले लेना है और अब हमें इसमें पॉकेट के लिए भी कपड़ा अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने ये कपड़ा लिया है और इसको ऐसे बिछाते हुए रखेंगे और इसके ऊपर यहाँ पे ऐसे पार्ट को रखते हुए इसमें हमें चारों तरफ से इसकी किनारी पे सिलाई लगा के ले लेना है। तो यहाँ पर हम इसमें चारों तरफ से सिलाई लगा के इसको कम्प्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने इसमें चारों तरफ से ही सिलाई लगा के लिया है और यहाँ ऊपर की साइड में ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से ये जो हमारी पॉकेट है ये बन के रेडी हो जाएगी। अभी इसको हम साइड में करेंगे और यहाँ पे देखिए एक और मैंने कपड़ा ले लिया है। इसकी जो मैंने चौड़ाई ली है वो ली है 6 इंच और इसकी जो लंबाई है वो है 7 इंच। और यहाँ पर ये मैंने जिपर ले लिया है, इसमें दोनों साइड में कपड़ा लगा के सिल लिया है। रनर भी मैंने डाल के ले लिया है इसमें। अब ये जो कपड़ा लिया है इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। जो दूसरा साइड है दूसरे साइड को भी हमें थोड़ा सा अंदर को फोल्ड करते हुए ही सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, कुछ इस तरह से इसको बना के मैंने लिया है। अब जो हमारा दूसरा वाला पार्ट था उस पार्ट को ले लेना है और इसके हम सेंटर में इसको रखेंगे और यहाँ पे हमें कपड़े को थोड़ा सा इस तरह से अंदर को फोल्ड करते हुए इसमें हम चारों तरफ से सिलाई लगा के ले लेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से मैंने इसमें सिलाई लगा के ले लिया है। तो ये हमारी छोटी सी भी पॉकेट बन के रेडी हो गई है और अब हमें इसमें हैंडल अटैच करने हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको बना के ले लिया है और इसकी जो हैंडल की लंबाई ली है मैंने वो ली है 20 इंच। ये मैंने 20 इंच इसकी लंबाई ली है और इसको हमें दोनों साइड में इस तरह से रखना है और इसके ऊपर सिलाई लगा के इसको ले लेना है।
ये मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा के इसको जोड़ लिया है। सेम इसी तरह से जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसमें भी हम हैंडल अटैच कर लेंगे। तो देखिए दूसरे पार्ट में भी मैंने हैंडल अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए एक और मैंने चौड़ी पट्टी ली है, इसकी लंबाई मैंने ली है 15 इंच और जो चौड़ाई है वो है 5 इंच। इसमें भी मैंने फॉर्म और अस्तर को डालते हुए सिल लिया है और इस बराबर की मैंने दो ये पट्टियाँ ली हैं। अब एक पट्टी को हम साइड में रखेंगे और यहाँ पे मैंने ये जिपर ले लिया है। एक पट्टी पे हमें जिपर को उल्टा करते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है और इसके बाद इसको हम सीधी साइड में करके इसके ऊपर हम प्रेस स्टिच भी लगा लेंगे। और ये जो हमारी दूसरी वाली स्ट्रिप है इसको हमें दूसरे साइड में सेम ऐसे ही सिल के ले लेना है। तो देखिए इसको मैंने सिल के कंप्लीट कर लिया है और इसमें मैंने रनर भी डाल के ले लिया है। अब इसके बाद एक हम पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर हम एक साइड से इस तरह से उल्टा करते हुए रखेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली। अब इसके बाद ये जिस शेप में कटा है इसी शेप में हम यहाँ पे सिलाई लगा के ले लेंगे। तो हमें पूरे में इसी शेप में सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए कुछ इस तरह से इसमें सिलाई लगा के इसको कंप्लीट करना है। और इसके बाद जो ये बाहर की साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है निकला हुआ इसको भी हम कट करके निकाल देंगे। तो यहाँ पे इसको भी हम कट कर लेते हैं और इसके बाद इसको हम सीधी साइड में पलटने के लिए यहाँ पे हम छोटे छोटे से कट लगा लेंगे और इसके बाद इसको हम सीधी साइड में पलट लेंगे। तो देखिए इस तरह से इसको हमें सीधी साइड में पलट लेना है और इसके ऊपर यहाँ पे हम प्रेस स्टिच भी लगा लेंगे। तो इस तरह से इसी शेप में ही हमें यहाँ पे प्रेस स्टिच लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो एक साइड को मैंने यहाँ पे सिल के कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम ऐसे ही खोल के फिर से रखेंगे। देखिए इस तरह से इसको रखना है और जो हमारा दूसरा वाला पार्ट था उसको हम इस साइड में ऐसे ही मिलाते हुए रखेंगे। और जैसे हमने एक पार्ट को सिल के कंप्लीट किया है सेम ऐसे ही हमें दूसरे वाले पार्ट को भी सिल के कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों पार्ट सिल के कंप्लीट कर लिए हैं। अभी एक पार्ट को ऐसे रखना है खोलते हुए और यहाँ पे हम इसकी गोलाई नाप लेंगे कि कितनी आ रही है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर इसकी गोलाई को नापना है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो गोलाई आई है वो आई है 36 इंच। और यहाँ पे जो बीच में ये वाली पट्टी है इसको भी हम नाप लेंगे कि इसकी चौड़ाई कितनी है। तो इसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच की है। तो 3 इंच चौड़ी और 36 इंच लंबी हमने ये पट्टी कट करके ले लिया है। इसमें भी मैंने फॉर्म और अस्तर डाल के सिल लिया है और इसको यहाँ पर हम ऐसे उल्टा करते हुए रखेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगाएँगे और इसके बाद इसको हम ऐसे लंबाई में पलट लेंगे और यहाँ पे हमें इसमें इस तरह से देखिए सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से ही हमें तीनों साइडों को सिल के कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ पे हम इसको कुछ इस तरह से ही दूसरे साइड में घुमा के इसको ले लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे दूसरे साइड में घुमा लेना है। तो यहाँ तक हमने इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद यहाँ पे किनारे पे हम फिर से इसको ऐसे पलट लेंगे और इसके ऊपर जो हमारी चौड़ाई थी वहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से अभी इसको मैंने सिल के कंप्लीट किया है। अब जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है उसको इसके ऊपर ऐसे उल्टा करते हुए ही रखेंगे और इसमें भी हम इसी बराबर से ही सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए दूसरे साइड को भी मैंने सिल के कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे इसमें अच्छी सी फिनिशिंग लाने के लिए हमने ये 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है और इसको हमें यहाँ पे इस तरह से पाइपिंग बना के कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए पूरे में मैंने ये जो हमारी सिलाई थी उसको दबाते हुए पाइपिंग बना लिया है। तो अंदर की साइड में भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आ गई है। अब इसके बाद इसको हम सीधा करेंगे और यहाँ पर देखिए ये हमारी एक पॉकेट बन के रेडी हुई है और एक जो पॉकेट है वो हमारी अंदर की साइड में भी है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी छोटी पॉकेट आ जाएगी। तो इस तरह से जो ये हमारा बैग है ये बनके कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी और अगर जो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। हमें सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके लिए और भी यूज़फुल वीडियो ला सकूँ।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।